नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आभा। पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की खास खबरें फटाफट अंदाज में। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को एक दिन में कुल 99 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए बीकानेर भेजा गया है। अब तक भेजे गए नमूनों में 101 सैंपल्स की जांच नेगेटिव आई है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि लखुवाली से 67, भादरा से 8, 2 ANM और आशा वर्कर के नमूने लिए गए हैं। टाउन के रूपनगर और प्रेमनगर से 20 नमूने लिए गए हैं। लखुवाली के सभी 67 सैंपल CSC रावसर ने मौके पर जाकर लिए। 32 सैंपल जिला अस्पताल में लिए गए। मंगलवार को बीकानेर भेजे गए कुल 23 सैंपल में से बुधवार रात को 2 सैंपल की रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव थी। उसके बाद गुरुवार दोपहर बचे हुए 21 सैंपल में से 17 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 की रिपोर्ट पेंडिंग है। बुधवार को बीकानेर भेजे गए 101 सैंपल की रिपोर्ट गुरुवार रात नेगेटिव आई तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले में गुरुवार तक कुल 700 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लेने का काम लगातार जारी है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोरोना संदिग्ध 285 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए बीकानेर भेजे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 281 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पीएमओ डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक केवल 4 लोगों की रिपोर्ट आनी शेष है। चिकित्सा विभाग के पास 22 लोग आइसोलेशन में हैं। अब तक हमारे लिए राहत की खबर ही आ रही है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन ने एक आदेश जारी करके कर्फ्यू ग्रस्त गांव लखुवाली में आमजन की सुविधाओं के लिए राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी को समन्वयक नियुक्त किया है। डूडी लखुवाली में स्थित कंट्रोल रूम में अपनी उपस्थिति देंगे। गौरतलब है कि गांव लखुवाली में कोरोना पॉजिटिव 2 रोगी मिलने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इन दोनों रोगियों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेकर निगरानी रखी जा रही है। लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों का जिला मुख्यालय पर आना लगातार जारी है। अधिकांश मजदूर जैसलमेर इलाके से पंजाब जाने के लिए श्रीगंगानगर पहुंच रहे हैं। शहर पुलिस मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद पंजाब बॉर्डर पार करवा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात निजी बस में मजदूर श्रीगंगानगर आए। पुलिस ने नाकाबंदी में मजदूरों को रोककर चिकित्सा विभाग की टीम से मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई और पुलिस की अगुवाई में पंजाब बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने कर्फ्यू ग्रस्त गांव लखुवाली में आमजन को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गांव में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसका प्रभारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ के विकास अधिकारी को बनाया गया है। जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके कंट्रोल रूम का सह प्रभारी तहसीलदार को बनाया है। इसके अलावा PEEO राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखुवाली गांव के पटवारी और ग्राम सचिव को नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव में ग्रामीणों को भोजन, दूध और राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में सादुल ब्रांच नहर से एक युवक की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई नवीन धानका ने रिपोर्ट दी है कि पंकज गुरुवार को घर से लापता हो गया था। उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की तो पंकज की लाश सादुल ब्रांच में लीलावाली हेड पर तैरती हुई मिली। आत्महत्या के कारण अज्ञात है। अगर आपने अभी तक SBT न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।